संत मिलन सम सुख कछु नाहीं, और सज्जन मनुष्यों को मिलने से बड़ा कोई संसार का सुख नहीं है। मैं अपने दर्शकों से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा कि अगर आप भी आर्थिक परेशानी के कारण तनाव में आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, घर की परिस्थितियों को देखते हुए आपका मन मस्तिष्क हर समय बेचैन रहता है, और आप लाख कोशिश करने के बाद, अच्छी कमाई के बाद सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे हैं, और परिवार में कलेश बढ़ रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी कारोबार में घाटा हो रहा है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, आप इसको करके देखिएगा। तांबे के छोटे से लुटिया में 90 लौंग गिन करके डालिएगा, और कलश को लाल कपड़े में बांधकर लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने या श्री यंत्र के बगल में उसको रख दीजिएगा। और ये उपाय अगर आज आप कर लेंगे तो शायद ये सर्वोत्तम उपाय होगा। आपको अगर आगे बढ़ने का, विकास करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप क्या करें जिससे आपका जीवन सुदृढ़ हो सके, तो आपको बताना चाहूँगा, दो नारियल, जल भरे दो नारियल, एक चुनरी और थोड़ा सा कपूर और 21 लौंग की माला बना करके आप इसे ले जाइए किसी दुर्गा मंदिर में। दुर्गा मंदिर में माता के श्री चरणों में लौंग की माला अर्पित कर दीजिए, दोनों नारियल माता के यहाँ चढ़ा करके बारी बारी से तोड़ दीजिए, एक नारियल माता के नाम से, एक नारियल भैरव के नाम से तोड़ दीजिए, चुनरी माता को धारण करवा दीजिए और कपूर जला करके आरती कर लीजिए। पैसों की बचत और बरकत के लिए किसी भी महीने के पहले सोमवार को 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ियाँ और 11 लौंग, ये आप नए पीले कपड़े में बांध करके घर के पूजा स्थान में रख सकते हैं। इसको ऐसा रखें कि इसको सब लोग देख ना पाएं, इसको ऐसा रखें कि इसको सब लोग देख ना पाएं। ये चीज़ें जब तक आपके घर में रहेंगी तब तक आपका पूजा में भी मन लगेगा और आपके घर की उन्नति भी होती रहेगी। गोमती चक्र महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, कौड़ियाँ भी महालक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, और उसके साथ अगर लौंग मिल जाए तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। इसको घर के पूजा स्थान में किसी भी सोमवार को स्थापित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए अब एक जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के इस सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, kalchakr@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन और भी खास हो जाएगा। अगर पंडित जी किसी का काम बनते बनते बिगड़ रहा है, कोई बहुत ज़रूरी काम है, लंबे वक्त से रुका हुआ है, जिस वजह से उस शख्स को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में लौंग का कौन सा चमत्कारी उपाय इसका हल बन सकता है? देखो, लवंग कलिकोज्वल बहुला नाग वल्ली फलम सजाति फल कोमलम सुधा मधुर इमाम एवं रुचिर पात्र स्थिते गृहाण मुख पंकजे स्थित मुम ताम्बूलकम। बनते बनते अगर काम बिगड़ जाते हैं या आपका कोई जरूरी काम कई दिनों से रुका पड़ा है या किसी भी तो आपको किसी भी चतुर्थी तिथि पर हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दो चतुर्थी तिथियां आती हैं, जिस दिन गणेश जी के पूजा का विधान है, तो आपको गणेश जी को लौंग और सुपारी से पूजा करनी चाहिए। जैसे सारी पूजा तो आप कर लीजिए, जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए, लेकिन एक पान के पत्ते का बीड़ा बनाकर उसमें लौंग चुभो करके और सुपारी के साथ किसी पात्र में रख करके गणेश जी के सन्मुख उसे रखिए, और उसके बाद में दो बार जल से आचमनी भी कीजिए। काम के समय लौंग को अपने मुंह में रखिए, काम पूरा होने पर सुपारी को गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने रख दीजिए। अगर आपको बात बात पर ज़्यादा गुस्सा आता है जिससे आपके काम बिगड़ जाते हैं,
जानते हो क्रोध जो है ना मनुष्य के नाश का कारण है। क्रोध से बढ़ करके मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं। गीता में कहते हैं ध्यायते विषय पुंसः संघस्ते सुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते क्रोधाद् भवत् सम्मोहम सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। तो कहने का मतलब जब मनुष्य को क्रोध होता है ना तो उसका सारा विवेक नष्ट हो जाता है और क्रोध करने वाला व्यक्ति अंत में अपना ही नुकसान करता है। इसलिए क्रोध आना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का सूचक है। अगर क्रोध आता है तो आपको क्रोध पर नियंत्रण के लिए मोती की माला भी धारण करना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी भी पीना चाहिए और मंगलवार रविवार को गाय के पूंछ का 7 बार झाड़ा भी लगवाना चाहिए। तनाव बढ़ने से अगर आपको नींद नहीं आती है, एंजाइटी है, तो नींद कैसे आएगी? नींद नहीं आएगी। तो बुधवार की रात एक लौंग आप अपने पास रखकर सोएं। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो 2 लौंग लीजिए, 3 लौंग लीजिए, 2 नहीं 3 लौंग लीजिए और दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में लौंग को दबा लीजिए और दाहिने पैर के अंगूठे पर लौंग को रखिए और पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए उसको बाएं पैर के अंगूठे तक ले जाइए और उस लौंग को रख दीजिए। इसी तरह से दूसरी लौंग को उतारिए, इसी तरह से तीसरी लौंग को उतारिए और तीनों लौंग ले जा करके गैस जला करके चूल्हे पर रख दीजिए। तीनों लौंग जल जाएंगी, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। उसी दिन से आपका शरीर हल्का हो जाएगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये उपाय आप करके देखिएगा और मुझे बताइएगा इतना सस्ता सा उपाय और कैसे आपका जीवन बदलेगा, इस विषय को आप जरा देखिएगा और तब मुझे बताइएगा कि हाँ ये उपाय आपके लिए कितना सार्थक है।